तो चलिए पहले हम देखेंगे वोकैब में। वोकैब में हमने लिए हैं 10 पावरफुल वर्ड्स। ये सारे शब्द बहुत ही पावरफुल हैं। एंड दीज वर्ड्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ बुक, वर्ड पावर मेड इजी, है ना। नॉर्मल लुइस की बुक है, वर्ड पावर मेड इजी से लिए हुए हैं। अच्छा, इन सभी वर्ड्स में एक सिमिलैरिटी है। पहले तो ये बताइए, इनमें से कौन कौन से शब्द आप पहले से जानते हैं? डू यू नो एनी ऑफ दीज वर्ड्स? ये वाला सुना है। सो व्हाट डज इट मीन? नोटोरियस सुना है, भला इनमें से कुछ कुछ सुने हैं लेकिन मीनिंग श्योर नहीं है। क्रोनिक, निक, ओके, नेवर माइंड। आज ये सारे 10 शब्द आपके हो जाएंगे, और न केवल ये 10 वर्ड्स, बल्कि अभी हम रूट्स की मदद से, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे जो रूट वर्ड्स होते हैं उनकी मदद से आप बहुत सारे वर्ड सीख सकते हो, और उनको आप बहुत लंबे समय तक अपने मेमोरी में रिटेन रख सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पूरे 10 वर्ड्स आपके सामने हैं, ये सारे वर्ड्स हैं एडजेक्टिव। सारे वर्ड्स, सभी वर्ड का प्रोफाइल क्या है? एडजेक्टिव। देखिए, जब भी मैं किसी वर्ड को कहता हूँ कि ये एडजेक्टिव है या ये नाउन है, तो कई बार आपके दिमाग में आता हो कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है, कुछ भी रहने दो, हमें तो बस मीनिंग बता दो, क्या मीनिंग है, हमें क्या करना, नाउन है कि एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश में या हर लैंग्वेज में ऐसा होता है कि नाउन का अलग काम है, एडजेक्टिव का अलग काम है। अगर मैं इन वर्ड्स को कह रहा हूँ कि ये एडजेक्टिव हैं, तो इनके बाद नाउन आ सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को। जैसे गुड, तो हम कहते गुड बॉय। लेकिन अगर कोई शब्द मान लीजिए नाउन है, तो आप नाउन के बाद नाउन नहीं लगा सकते। जैसे एक शब्द है फूल, अब हिंदी में तो फूल का अर्थ होता है मूर्ख, हमने हिंदी में सोच के बोल दिया कि वह एक मूर्ख व्यक्ति है, ही इज़ अ फूल पर्सन, लेकिन ये गलत है। ही इज़ अ फूल पर्सन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फूल खुद एक नाउन है, तो नाउन के बाद नाउन नहीं आता। हमें बोलना होगा ही इज़ अ फूल या ही इज़ अ फूलिश पर्सन। तो फूल का एडजेक्टिव क्या है? फूलिश। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये सारे शब्द एडजेक्टिव हैं, तो इसका मतलब है इनके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। इनको नाउन चाहिए जिसको वो क्वालिफाई करें, डिस्क्राइब करें। इसके अलावा किसी भी एडजेक्टिव के पहले वेरी शब्द आ सकता है। आप नाउन में वेरी नहीं लगा सकते। जैसे आप ये नहीं कह सकते ही इज़ वेरी फूल, ही इज़ वेरी इडियट, गलत है। ही इज़ वेरी फूलिश बोल सकते हैं या ही इज़ वेरी इडियोटिक बोल सकते हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने नाउन वैसे भी पढ़ा था, आज एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। तो हमें इन सारे 10 वर्ड्स को क्या चाहिए भाई? एक नाउन चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, एक नाउन चुन लेंगे और वही नाउन इन सभी में लगाएंगे, तो इससे पता चलेगा कि वो पर्सन कैसा है, ये किस तरीके के पर्सन को डिस्क्राइब करता है। तो हम इसमें एक नाउन चुनेंगे जो सब पे लगने वाला है, और वो नाउन है क्या है नाउन? लायर्स, लॉयर्स नहीं, लायर्स। जब कोई कहता है यू आर अ लायर, तुम एक झूठे हो, यानी झूठ बोलने वाला पर्सन। तो आज हम लायर्स को डिस्कस करने वाले हैं कि समाज में कितने प्रकार के झूठे लोग होते हैं। तो हम एक एक करके सबको डिस्क्राइब करेंगे। ये वर्ड्स मैं जिस बुक से आपको बता रहा हूँ, उसमें राइटर ने भी यही शब्द चुना है, लायर, क्योंकि ये मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है इसके लिए, क्योंकि सब आ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, क्या इस संसार में, भूतकाल में, वर्तमान काल में, क्या ऐसा कोई व्यक्ति था या है जिसने कभी झूठ ना बोला? वो तो कथाओं में और जाने अनजाने उसने भी बोल दिया, कोई भरोसा?
तो ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो ये दावा कर दे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता या मैंने कभी झूठ नहीं बोला। सब कुछ ना कुछ झूठ तो बोलते हैं जितने भी मनुष्य हैं। एनिमल्स झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि वो बोल ही नहीं सकते, तो जो बोल ही नहीं सकता वो झूठ कैसे बोलेगा। तो ये वरदान केवल इंसानों को प्राप्त है झूठ बोलने का। लेकिन हम झूठ बोलते क्यों हैं? कोई ना कोई एक वजह होती है, या तो हम पनिशमेंट से बचना चाहते हैं, या अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, या फिर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। कई वजह हो सकती झूठ बोलने की। तो अगर हम मान लो पहला वर्ड लेते हैं, पहला वर्ड है नटोरियस। अगर हम किसी को कहें कि ही इज़ अ नटोरियस लायर, वह एक नटोरियस लायर है, तो ये समझ लो पूरे गांव को पता है कि वो झूठ बोलता है। ये बात किसी से नहीं छिपी कि वो झूठ बोलता है, क्योंकि उसने कई बार झूठ बोला है और कई बार पकड़ा गया है, लोगों से पिटा है। तो सब जगह जग जाहिर हो गया कि इसकी बात पर यकीन मत करना, ये क्या है, नटोरियस लायर है। तो नटोरियस का मतलब क्या होता है देखते हैं। इसमें एक रूट छिपा है, मैं यहाँ पर रूट्स लिखूँगा। रूट्स मतलब जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रूट का मतलब होता है ओरिजिन, हाँ, कोई भी ओरिजिन, वर्ड का ओरिजिन या बेसिक वर्ड, जिसमें फिर प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ के नए नए वर्ड्स बन जाते हैं। तो इसमें एक रूट छिपा है, वो है नोटस। नोटस, नोटस का मीनिंग होता है नोन। ग्रीक भाषा में नोटस का मीनिंग होता है नोन, है ना? क्या नहीं चल रहा क्या? अच्छा, नोटस मीन्स नोन। अब नोन का मतलब क्या होता है? जाना माना, जिसको लोग जानते हैं। इसी से ढेर सारे वर्ड्स हैं। नोटिस सुना है? नोटिस, हम किसी चीज़ को नोटिस करते हैं, मतलब गौर करते हैं, है ना, या नोट करते हैं। तो नोटस से ये बना है, जो जाना माना हो। अच्छा, लोग आप गौर करना, संसार में दो तरह के लोगों को ही जानते हैं, या तो जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, या जिन्होंने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि लोग अच्छे काम के लिए भी जानते हैं और बुरे काम के लिए भी जानते हैं। जब हम किसी को अच्छे काम के लिए जानते हैं तो उसे बोलते हैं फेमस। क्या बोलते हैं? फेमस है। फेमस एक्टर है भी, अच्छा काम करता है। फेमस पॉलिटिशियन है, अच्छा हो पॉलिटिशियन। तो फेमस का संबंध किससे है? अच्छे से। लेकिन फेमस का उल्टा होता है इनफेमस। फेमस का उल्टा क्या होता है? इनफेमस। हिंदी में कहेंगे बदनाम। अच्छे काम के लिए जाना जाए तो फेमस है, और बुरे काम के लिए जाना जाए तो नटोरियस है, इनफेमस है। जैसे हमने बोल दिया ही इज़ आ नटोरियस थीफ, वह एक बदनाम चोर है, मतलब सबको पता है चोर है, उसकी चोरी छिपी नहीं किसी से, सबको पता चल गया। नहीं तो ऐसे ना जाने कितने चोर हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए, लोगों को पता ही नहीं है कि ये चोर है। क्यों? क्योंकि पकड़ा नहीं गया, तो शरीफ बन के घूम रहा है, है? नहीं, हम पे शक नहीं करना, लेकिन बता रहे हैं अगर कोई नटोरियस थीफ है मतलब सबको पता है। नटोरियस डॉक्टर मतलब क्या निकलेगा? एक ऐसा डॉक्टर जो बदनाम है, उसने बहुत ऑपरेशन बिगाड़े हैं, लोगों को लूटा है, और पेट में तौलिया, कैंची और दुनिया भर के आइटम छोड़े हैं, भूल गया है, तो उसकी मार्केट में रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। फिर इसके लिए आप एक और शब्द लिख सकते हो, नोन फॉर समथिंग बैड। ये समथिंग का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, STH, नोन फॉर समथिंग बैड, किसी बुरी चीज़ के लिए जाना होगा। अब जरा फेमस का पोस्टमार्टम करते हैं। फेमस का नाउन बताओ। फेम, वेरी वेल डन। फेम नाउन है,
फेमस मतलब हो गया प्रसिद्ध, और फेम यानी प्रसिद्धि, लोग फेम पाना चाहते हैं, तो क्या पाना चाहते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। और फेम में अगर हम लगा दें डी ई तो ये हो गया डी फेम, ये एक वर्ब है। डी एक प्रेफिक्स है, जब भी हम किसी शब्द के शुरू में डी लगाते हैं ना तो ये उसके पतन को दिखाता है, पतन यानी उसको नीचे की ओर लाता है। जैसे डिग्रेड, अगर आप किसी को डिग्रेड कर रहे हो यानी उसके ग्रेड को नीचे गिरा रहे हो। डिओडराइज होता है, ओडर को कम करना, डिओडराइज, उसी से डिओड्रेंट बना है, वो जो लोग लगाते हैं डिओड्रेंट। तो डिफेम की हिंदी क्या हो गई, किसी के डिओडराइज एक वर्ब हो गई। देखो ओडर क्या होता है, ओडर स्मेल, बॉडी की जो स्मेल होती है उसको ओडर बोलते हैं, तो उसको डिओडराइज करना मतलब उस ओडर को नील करना, कम करना। तो इसी का एक और नाउन हो गया डिओड्रेंट, शॉर्ट में डीओ डीओ बोलते हैं। ना नहाने वाले प्राणियों के लिए वरदान है वो। अच्छा डिफेम वर्ब है, तो किसी के फेम को नीचे लाना, किसी के फेम को, प्रसिद्धि को, नाम को नीचे लाना यानी उसका नाम डुबाना यानी बदनाम करना। तो इसका एक सिनोनिम हो जाएगा स्लैंडर। डिफेम करना मतलब किसी को स्लैंडर करना, या फिर मलाइन, या फिर डिफाइल, या फिर विलीफाई, इन सब का मतलब है गंदा करना, दूषित करना, बदनाम करना, किसी का नाम खराब करना। कौन कौन से हैं डिफेम के सिनोनिम, स्लैंडर, आप भी बोलो, मलाइन, डिफाइल और विलीफाई, है ना। इन सब का मतलब क्या है, किसी को बदनाम करना। फेमस एडजेक्टिव, जिस वर्ड में ओ यू एस हो वो एडजेक्टिव होता है, जैसे डेंजरस, पैरिलस, हैजर्डस, तो फेमस। अच्छा डिफेम का नाउन क्या होगा, डिफेम से एक नाउन बनता है, मैं यहां लिख देता हूं, डेफेमेशन, बदनामी। अब चलो नटोरियस का भी नाउन देख लेते क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है। नटोरियस का नाउन होता है नटायरिटी, ये देखो नटोरियस का नाउन है नटायरिटी, आप भी बोले नटायरिटी, ये इसका नाउन है बदनामी। तो क्या दोनों सिनोनिम हो सकते हैं कि नहीं, नटायरिटी का सिनोनिम डेफिमेशन है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। देखो नटायरिटी क्या है, बदनामी, और डेफिमेशन क्या है, बदनामी, दोनों नाउन भी हैं तो सिनोनिम हो गया ना, दोनों सिनोनिम है, सिनोनिम का मतलब ही एक जैसे अर्थ और एक जैसा वर्ड प्रोफाइल होना चाहिए, नाउन है तो नाउन, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, ठीक है। इतना क्लियर है, नोटोरियस किससे बना है, नोटस से, नोटस से एक और शब्द बनता जो आपके काम का है वो है नोटेड, नोटेड मतलब वेल नोन। जैसे ही इज अ नोटेड लॉयर यानी वो एक जाना माना वकील है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ये न्यूट्रल है, आप सब जगह यूज़ कर सकते हो। नोटेड है मतलब जाना माना है, पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन नोटोरियस है तो बदनाम है। और क्या बोलते हैं फेमस को, अगर कोई बहुत ही जाना माना है, उसकी अच्छी ख्याति है, अच्छी गुडविल है मार्केट में, पॉपुलर बोल सकते हो। और पॉपुलर एक अलग चीज़ होती, थोड़ा सा वो लोगों में लोकप्रिय होता है, जैसे हो सकता वो सरकार की नज़र में डाकू हो, जैसे कोई है मान लो डाकू गोबर सिंह, वो क्या करते हैं बड़े बड़े सेठ में हमला करते हैं, पैसा लूटते हैं और गरीबों में बांट देते हैं, है? तो
तो गरीबों के लिए वो क्या हो गए, पॉपुलर हो गए। रॉबिन हुड था ना या दबंग में देखा होगा, तो जो अमीरों से लूटे और गरीबों में बांटे, रॉबिन हुड। और कोई शब्द, एक और शब्द आप यूज कर सकते हो, रिनाउंड यानी जाना माना, या फिर एक और यूज कर सकते हो रेप्यूटेड, भाई रेप्यूटेशन होता ना, तो रेप्यूटेड उसका एडजेक्टिव हो गया। तो शब्दों के लिए चुंबक बन जाओ, जैसे ही नए शब्द है खींचो उनको, और एक ही शब्द के परिवार में ढूंढो। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ही की चर्चा कर रहे हैं, उसके जितने रिश्तेदार हैं उनके फूफा मौसा सबको पकड़ रहे हैं। ऐसे करके आपको देखना होगा, कोई भी शब्द सीखो उसके रिश्तेदारों से भी मिलो। नोटस जो है ना, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये ग्रीक भाषा का क्या है, रूट है, लेकिन इससे ये बना है नोटोरियस। तो रूट को इंग्लिश वर्ड की तरह यूज़ नहीं करना, जैसे गमी मतलब शादी होता है ग्रीक में, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी ना बोलेंगे आई एम गोइंग टू अ गमी। अब उससे लेकिन शब्द बनते, वो हमारे काम के हैं, जैसे पॉलीगेमी है, मोनोगमी है, बिगमी है, मिस ऑगमिस्ट है ना, तो ये इसमें वो चीज़ आ गया। आपने ये वाले रूट पढ़े नहीं पढ़े अभी, ये गमी वाले रूट अभी नहीं हुएंगे इस बैच में, बताएंगे आपको, उसका भी एक चैप्टर है। चलिए अब नोटोरियस से आगे बढ़ते हैं। नोटोरियस लायर, कैसा लायर, एवरीबॉडी नोज हिज बैड क्वालिटी। सो इफ समवन नोज समबडी इज बैड क्वालिटी और समवन बैड क्वालिटी इज नोन टू द सोसाइटी, वो हो जाएगा नोटोरियस। नॉटी और नोटोरियस को कभी मिलाना मत, नहीं तो बहुत से लोग सोचते हैं नोटोरियस मतलब शरारती, शरारती नहीं होता है, नोटोरियस है मतलब बदमाश है, वो कुख्यात है, तो नॉटी अलग चीज़ है। नहीं तो हम कई बार ना कहीं भी लिंक कर देते हैं नोटोरियस है मतलब, हाँ नहीं नहीं दोनों अलग अलग हैं। अब देखते हैं अगला वर्ड है क्या, कॉन्समेट, आप भी बोलें एक बार, कॉन्समेट। हाँ इसको ना कॉन्समेट नहीं बोलना, ये मेट नहीं है लास्ट में, क्या है कॉन्समेट। हाँ अब ऐसा क्यों हो रहा हम बता रहे हैं आपको, प्रॉब्लम ये है इंग्लिश में भाई, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, चाकू जो है उससे हम क्या करते हैं, चाकू से क्या करते हैं, काटते हैं, क्या काटते हैं, वेजिटेबल। वो किसी गर्दन काट सकती कि नहीं, हाँ यानी ये तो हमारे उपयोग के ऊपर है ना, कि हमें तो भैया उसने कहा भी हम काटते हैं, अब तुम चाहे सब्जी काट लो चाहे किसी की गर्दन काट लो, है ना। पेन से क्या करते हैं, लिखते हैं, लेकिन किसी की गर्दन में भी तो ठूंस सकते हैं ना, है कोई पड़ोसी है बहुत गुस्सा आ रही थी कई दिन से, गए गुस्से में दिया उसको और जेल हो गई फिर। इसी तरह इंग्लिश में क्या होता है, कोई जो वर्ड होता ना उसका यूज़ सेंटेंस की पोजीशन पर डिपेंड करता है। कैसे, एक एग्जांपल द्वारा देखो, ये क्या लिखा है, लाइव, और अगर मैं इसको लिव बोलूं तो गलत है क्या, दोनों सही है, ये लिव भी है और लाइव भी है। अब ये अंतर क्यों आ रहा है, अंतर इसलिए आ रहा है जब ये वर्ब का फंक्शन करेगा, जब ये वर्ब का फंक्शन करेगा तो लिव, जैसे आई लिव इन मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो मैंने इसको क्या बोला, लिव। अब लेकिन ये अगर एडजेक्टिव हो जाए, क्या हो जाए, एडजेक्टिव, तो इसको लाइव बोलेंगे। लाइव टेलीकास्ट होता कि नहीं होता, लाइव मर्डर देखते आजकल लोग सीसीटीवी में, लाइव मर्डर हो रहा है, सनसनी वाली खबरें आती फिर, तो लाइव। इसी तरह ये जो वर्ड है ना, क्या लिखा है पढ़ो,
कॉन्समेट, हाँ ये वर्ब भी है, और जब ये वर्ब होती तो इसको क्या पढ़ते, कॉन्समेट, जब ये वर्ब होती तो क्या पढ़ेंगे, कॉन्समेट। जैसे एड्रेस और एड्रेस, एड्रेस कब बोलते हैं, जब नाउन हो, यानी पता, व्हाट इज़ योर एड्रेस। लेकिन एड्रेस क्या हो जाता, एड्रेस किसी को संबोधित करना, तो ये इंग्लिश में एक एक ब्यूटी है भाई, आप कह सकते हो उसकी, आप कहोगे ब्यूटी क्या, ये तो परेशानी है बहुत बड़ी, परेशानी नहीं है, एक ब्यूटी है उनकी, अलग अलग बोलते हैं। खैर, पहले हम इसको एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे। अगर हम किसी पर्सन को बोलें ही इज़ अ कॉन्समेट लायर, तो वो कैसा झूठा है पता है, वो जब झूठ बोलता है ना तो लोग उसकी बात पर यकीन करते हैं। क्यों, क्योंकि वो झूठ को इतने अच्छे फैक्ट से और बढ़िया सजा धजा के बोलता है कि लोग कहते हैं यार सही बोल रहा है। अगर ये झूठ बोल रहा है और बहुत ही स्किलफुली बोल रहा है, बहुत ही कन्विंसिंगली बोल रहा है और लोग मान लेते हैं, ये इसकी कला है, यानी ये कैसा लायर है, परफेक्ट लायर है, वेरी स्किल्ड लायर है। दृश्यम मूवी देखिए ना, उसमें जो अजय देवगन है, अब पूरी पुलिस को पता है कि यार मर्डर तो इन्हीं लोगों ने किया है, लेकिन प्रूफ नहीं मिलता, क्योंकि वो इमेजिन नहीं करते, ये छठवीं फेल थोड़ी हमें बेवकूफ़ बनाएगा, लेकिन वो पूरा तैयार रख के रखा, यहाँ तक कि जब लाश का पता चल जाता कि लाश यहाँ है, खुदाई करने जाते हैं, कुत्ते की लाश निकलती है, बोलते अरे ऐसा दिमाग लगा के रखा इसने पहले से। तो एक तरीके से हम कह सकते वो कैसा अपराधी था, कॉन्समेट। अच्छा, नोटोरियस तो नेगेटिव वर्ड है, हमेशा नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव भी है। आप कह सकते हो लता मंगेशकर जी इज़ अ कॉन्समेट सिंगर, तो कैसी सिंगर है वो, परफेक्ट है, कोई कमी नहीं निकाल सकता। कॉन्समेट एक्टर हो सकता है, कॉन्समेट डांसर हो सकता है, कॉन्समेट थीफ हो सकता भैया। कॉन्समेट थीफ कौन होगा, हाँ जिसकी चोरी नहीं पकड़ी जाती। धूम पिक्चर देखो आप, हैं अपनी सिनेमा तो भरी पड़ी है यार इन चीज़ों से, हर एग्जाम्पल मिलेगा आपको। तो इसका मीनिंग निकल रहा है, नहीं एडजेक्टिव है तो परफेक्ट, या फिर स्किल्ड। नहीं ये बदमाश नहीं है, बदनाम है, बदनाम बदमाश हो सकता है कोई, इसलिए सिनोनिम है। नोटोरियस एक एडजेक्टिव है, नोटोरियस क्रिमिनल, नोटोरियस थीफ, तो इनफेमस थीफ, फेमस थीफ थोड़ी है वो, फेमस तो अच्छे काम में होता है ना। तो नोटोरियस एक एडजेक्टिव है और बदमाश तो एक नाउन जैसा हो गया ना। हाँ तो बदनाम हो गया ना, स्कूल में उधम करता रहता है, कभी भी क्लास में कुछ होगा ना ये टूटा है, मतलब पहले उसी को पकड़ेंगे, भले नहीं पता किसने तोड़ा लेकिन उसी को पकड़ेंगे पहले, तो नोटोरियस हो गया। आपको पता हर थाने में एक लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट, उसमें वहाँ के जो भी कुख्यात लोग हैं उनके नाम रहते हैं, तो जैसे ही उस इलाके में कोई चोरी होती है, मारपीट होती है, कुछ भी गलत अगर होता है ना, तो पहले उनको पकड़ते हैं कि क्यों तुमने वो बाइक चुराई क्या, नहीं साहब हम तो अब भी आए, ऐसे करके फिर वो बोलेंगे तो एक लिस्ट तैयार हो जाती है। तो बिल्कुल सही बोलते थे स्कूल में, जिसको भी बोलते रहे नोटोरियस बॉय। बदमाश ही तो बदनाम होते हैं, और बदनाम है तभी तो वो बदमाश है। कभी सुना आपने वो बड़ा बदमाश साधु है? हाँ तो फिर साधु कहाँ हुआ, ढोंगी हुआ।
अच्छा जब ये वर्ब हो, मैंने कहा ना इसका फंक्शन चेंज हो सकता है, तो जब ये वर्ब है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्समेट। एंड टू कॉन्समेट मीन्स टू ब्रिंग समथिंग टू परफेक्शन। व्हेन यू ब्रिंग एन अग्रीमेंट और अ डील और एनीथिंग टू परफेक्शन, उसको कहते हैं कॉन्समेट। जैसे द डील हैज़ बीन कॉन्समेटेड, द डील हैज़ बीन कॉन्समेटेड, मतलब डील पूरी हो गई है। तो सरल भाषा में कॉन्समेट का मतलब होता है पूरा करना, कॉन्समेट पूरी आखिरी ईंट जो थी वो भी रख देना, हो गया भाई पूरा, मूर्ति बन गई, रंग अंग हो गया, फिनिशिंग टच बिल्कुल परफेक्ट भैया, ले जाओ ढोल ले आओ, कॉन्समेट उसको बोलते हैं, एक एक चीज़ हो गई बिल्कुल। अच्छा इसमें भी एक रूट है, अगर रूट की बात करें तो इसमें रूट है समस, और समस का ग्रीक मीनिंग होता हाईएस्ट। जो व्यक्ति अपने फील्ड में कहाँ पहुँच गया है, समस पहुँच गया है, कहाँ पहुँच गया है समस, तो वो कैसा हो गया, कॉन्समेट, सीधी सी बात है। और आपको इससे कुछ शब्द बनेंगे, देखो आप सभी ने सुना होगा समिट, सुना है ना, किसको बोलते हैं शिखर, जैसे समिट टॉक्स होते हैं दो देशों के बीच, शिखर सम्मेलन बोलते हैं उसको, शिखर वार्ता, तो उसको शिखर वार्ता क्यों कहते हैं, क्योंकि दो देशों के जो हाईएस्ट जो रैंक में हैं, मतलब प्रधानमंत्री हो गए, जैसे दो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं समिट टॉक। नहीं तो दो देशों में तो बातचीत तो रोज़ चलती रहती है, ऑफिसर लेवल पर होता ना ऐसा, ऑफिसर लेवल पे बातचीत होती है, लेकिन जिस दिन एक पॉलिटिकल अपीवल होता है और फिर दो बड़े नेता मिलते हैं उसको बोलते हैं समिट टॉप। तो समिट मतलब होता है द टॉप ऑफ अ माउंटेन बट नॉट पॉइंटेड वन, वो तो पीक हो गया, फिर पीक इसी का सिनोनिम है समिट, ये नाउन हो गया। अब देखो सिनोनिम कौन कौन से, एक तो पीक मिल जाएगा, पीक यानी हो जाएगा चोटी, फिर इसका एक और सिनोनिम ले लो आप जेनिथ, है ना, या फिर आप ले लो पिनेकल, ये भी इसका सिनोनिम है, या फिर आप ले लो एक्मी, ये भी इसका सिनोनिम है, एक्मी, एक्मी, तो पीक, जेनिथ, पिनेकल, एक्मी सब इसके सिनोनिम है। किसका, कीर्तिमान नहीं, शिखर या सबसे ऊंचाई, है ना, उसको बोलते हैं हम जेनिथ। और इसी से ना सम शब्द बना है, समस से, जब आप दो तीन संख्याओं को जोड़ते हो एक सम टोटल निकलता है हाईएस्ट, वो हाईएस्ट ही रहेगा क्योंकि उन सबको जोड़ा गया है। चलिए अगला वर्ड ले लेते हैं। तो मैंने आपको कॉन्समेट के दो मीनिंग बताए हैं, एक तो एज एन एडजेक्टिव, क्या मीनिंग होगा, परफेक्ट, और जब वर्ब होगी तो कॉन्समेट यानी क्या करना, ब्रिंग समथिंग टू कंप्लीशन, ब्रिंग समथिंग टू परफेक्शन। अगला वर्ड देखते हैं इनकॉरिजिबल, इसमें एक रूट छिपा है कॉरिगो, जिसका मतलब होता है करेक्ट, करेक्ट करना मतलब क्या करना, सुधारना, और इन लग गया मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट। तो अगर कोई पर्सन इनकॉरिजिबल है यानी ना सुधारने के योग्य, एबल छुपा ना इसमें, योग्य ना सुधारने के योग्य, अगर आप कहो ही इज एन इनकॉरिजिबल लायर, वो इनकॉरिजिबल लायर है, मतलब वो झूठ बोलता है, पकड़ा जाता है, लोग उसकी पिटाई करते हैं, वो माफ़ी मांगता है, माँ कसम खाता कि अब झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगले दिन फिर झूठ बोलता है, उसके बाद वो फिर पिटता है, फिर हाथ पांव जोड़ता है, फिर कसम खाता है, लेकिन फिर, यानी ये सुधरता नहीं है। इनकॉरिजिबल थीफ हो सकता है, यानी जिसको सुधारना ही मुश्किल हो जाए,
इसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। यानी ये कैसा है, बियॉन्ड नहीं, बियॉन्ड करेक्शन या बियॉन्ड रिफॉर्म, इसका सुधार संभव नहीं। हाँ, जैसे आपने हिंदी में सुना होगा कई बार लोग ऐसा कहते हैं ना, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तो उसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं यू आर इनकॉरिजिबल। एक तो जिसको नहीं पता वो खुश हो जाएगा, बोलेगा वाह क्या तारीफ का वर्ड है। कॉन्समेट मिट MIT और कॉन्स, हाँ मतलब बोलने में, लिखना नहीं है। और कॉन्समेट, हाँ किसका नहीं, तो वो तो नाउन हो गया ना। हमेशा याद रखो एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव, नाउन का सिनोनिम नाउन। चलो अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है कॉन्जेनिटल, बोलें हाँ। इसमें जो रूट है ना वो है जीन, और जीन तो साइंस का वर्ड है भाई, जीन इसी में वो सब आता है, DNA का जो रिसर्च होता है और दुनिया भर का, है ना। जीन क्या, एक बहुत ही छोटा पार्टिकल, अगर आप साइंस में इसकी डेफिनेशन देखोगे, एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है जो आने वाली जनरेशन को तय करता है कि आने वाली जो जनरेशन है यानी होने वाला जो बच्चा है उसकी हाइट कितनी होगी, उसका स्किन का रंग कैसा होगा, उसकी आँखों का रंग कैसा होगा, बाल घुंघराले होंगे कि टकला हो जाएगा, एक एक चीज़, यहाँ तक कि कौन सी उम्र में इसको डायबिटीज़ होगी, कौन सी एज में इसको कैंसर होगा, ये सब किस में रहता है, जीन में। तभी तो DNA में इतना रिसर्च चल रहा है, सब उसमें। मतलब ज़रा सी प्रिंटिंग एरर हुई तो एक नस्ल पूरी बर्बाद हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही रहता है। क्या इसी की वजह से तो इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं इसी की वजह से, क्योंकि पहले तो केवल क्या है सफ़ेद भालू होते थे, पहले केवल सफ़ेद भालू होते थे, लेकिन DNA में प्रिंटिंग एरर हुई तो काले भालू भी हो गए, और बेचारों को फिर जगह खाली करना पड़ा वहाँ से, क्योंकि काले गोरों का भेद वहाँ भी है। हाँ तो उनको अपना इलाका खाली करना पड़ा। अगर आप डिस्कवरी में देखो ये शो बताते हैं एक एक चीज़, कुत्ते पहले भेड़िए थे, भेड़ियों से कुत्ते बने, अपन सब लोग बंदर थे। ये मत सोचना तू तो अभी भी है। तो जीन का मतलब क्या होता है, ग्रीक में जीन का मतलब होता है बर्थ या बिगनिंग। और कौन का मतलब क्या होता है, विथ, ये भी एक प्रीफिक्स है आप कह सकते हो कौन। तो जन्म के साथ अगर कुछ है, जन्म के साथ, उसको कॉन्जेनिटल बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ आ कॉन्जेनिटल लायर। अभी हम लायर ले रहे हैं सब जगह, तो अगर कोई व्यक्ति कॉन्जेनिटल लायर है तो वो कैसा लायर है, हाँ जन्म से ही है वो। लोग पूछ रहे हैं यार ये कितना झूठ बोलता है, कब से बोल रहा है, दादा आपको कुछ याद है, बोले बेटा हमें कुछ याद नहीं है, इतना पता है जब से होश संभाला है झूठ ही झूठ बोल रहा है, जब से बोलना शुरू किया झूठ ही बोल रहा है। कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज़ भी होती है। अब आप ज़रा गैस करो कि डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो इंग्लिश का चमत्कार देखें आप शिवहरि बाबा के सानिध्य में। देखो फॉर्म नाउन भी है और वर्ब भी है। फॉर्म मतलब होता है रूप, और फॉर्म यानी बनाना, शेप देना। अच्छा अगर गलत शेप हो गया है तो हम उसको रिफॉर्म करते हैं, है ना। रिफॉर्म करना मतलब क्या करना, पुनः बनाना। और पुनः कब बनाएंगे, जब वो गलत बन गया।
तो उसको सुधारना, तो रिफॉर्म करना मतलब सुधारना। सोशल रिफॉर्मर्स भी होते हैं, समाज सुधारक, क्योंकि समाज में अगर कोई गलत नीति बन गई है, सती प्रथा आ गई है, दहेज प्रथा आ गई है, उसको दूर करने के लिए सोशल रिफॉर्मर आएंगे। और डी, देखो डी लग गया, डिफॉर्म। हमने अभी देखा था कि अगर आप डी लगाते किसी चीज़ में तो वो पतन को दिखाता है, तो डिफॉर्म कर रहे, रूप बिगाड़ रहे हो आप, उसको बदसूरत बना रहे हो, तो डिफॉर्मिटी इसका नाउन है, यानी बदसूरती। और मेडिकल साइंस में बदसूरत होने का मतलब गोरा होना या काला होना नहीं होता है। बदसूरती का मतलब क्या होता है मेडिकल साइंस में? हाँ, डिसेबिलिटी। और जैसे हाँ, किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी कह सकते हो आप, चाहे वो एक कान छोटा बन गया और एक कान ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, डिफॉर्मिटी। जापान में आज भी चिल्ड्रन विद डिफॉर्मिटीज पैदा होते हैं, क्यों? क्योंकि वो हाँ, रेडिएशन का असर सोचो इतने सालों तक होता है, वहाँ अभी भी ऐसे बच्चे पैदा होते कि दो सिर है, ज़्यादा जी नहीं पाते हालांकि वो, लेकिन दो सिर हैं उनके, तीन आँखें, एक आँख यहाँ लग गई, अपने यहाँ पैदा हो जाए तो लोग हाँ दूध के लोटा लेके लाइन लगा ले, अरे बम बम भोले, बम बम भोले, चमत्कार, ऐसे चमत्कार वहाँ डेली हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी, हमारे देश में भी कई बार आप देखो ऐसी कोई बछिया पैदा हो जाएगी जिसके दो मुँह हैं, और वहाँ लाइन लग जाती गाँव में हाँ पूजा पाठ के लिए, और वो ज़्यादा जी नहीं पाते हैं, ऐसे जो जन्म होते हैं ना ज़्यादा जी नहीं पाते, रेयर केस होता है। ये सब डिफॉर्मिटीज़ हैं, कोई चमत्कार नहीं है, प्रिंटिंग एरर, मैंने बोला ना क्या है, प्रिंटिंग एरर से होता है सब, क्योंकि प्रिंटिंग एरर ही सब कुछ है भैया। चलो अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है इनवेटरेट, बोले इनवेटरेट। ये जो है ना वीटस से बना है,